देखिए, आम आदमी पार्टी के सारे वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई पार्टी कार्यालय पर, और दिल्ली विधानसभा का जो चुनाव है उसके तैयारियों के संबंध में चर्चा हुई विस्तार से। आगे जो कई सारे कैंपेन हैं उसको समय समय पे कैसे शुरू करना है उसके बारे में चर्चा हुई, और खास तौर से जो अभी राजेंद्र नगर की घटना है और मयूर बिहार फेज 3 की घटना है जिसमें एक माँ बेटे की जान चली गई और 3 छात्रों की जान चली गई, उसके बारे में चर्चा हुई। दिल्ली के अंदर जो वाटर लॉगिंग की समस्या है उसको लेके बातचीत हुई, तो कई मुद्दों पे विस्तार से चर्चा हुई। और आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अब पूरी मेहनत के साथ जुटेगा अपने अगले लक्ष्य के लिए, और जो हमने काम किया है वो लोगों तक पहुंचाएंगे, आगे क्या करने जा रहे हैं वो लोगों तक पहुंचाएंगे। देखिए, सरकार की ओर से बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। आतिशी जी ने कानून बनाने को लेके अपनी पहल शुरू कर दी है कोचिंग्स को रेगुलेट करने के लिए। हमने 10 स्टूडेंट्स का नाम भी मांगा है, आज वहां खुद मैं गया था और उनको शामिल करके इस पूरी चर्चा में एक अच्छा कानून कोचिंग्स को रेगुलेट करने के लिए बनाया जाएगा, दिल्ली विधानसभा में उसको पास किया जाएगा, जिसमें मनमाने ढंग से फीस की वसूली, हॉस्टल के नाम पे मनमानी वसूली, बेसमेंट में लाइब्रेरी और क्लासेज चलाना, ये तमाम मुद्दे, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, ये सारे मुद्दे उसमें कानून के अंदर होंगे। और छात्रों को कैसे बेहतर शिक्षा मिल सके, कैसे उनको कोचिंग्स का जो है लाभ मिल सके और उनके साथ कोई ज्यादा अनाप शनाप, उनसे पैसे की वसूली ना हो, इन सारे विषयों को लेके कोचिंग्स को रेगुलेट किया जाएगा।